ये कौन है? आंधे आंधे आंधे। गाड़ी लॉक करो, अरविंद है तो रोकना मत। अरे शर्मन जोशी, देखो उधर लिबराम जो है। तो फिर मैंने कहा नेहरू से पूछो। ये क्या है? दिस इज बेयर पूप। मतलब आपका? मेरा नहीं, बालू, बालू का गुण। डोंट बी स्केयर्ड मोदी जी। अरे ये तो कुछ नहीं है। बारिश के टाइम पे कभी मुंबई गए हो? आई वॉन्ट दिस स्पीयर। ए रुको, कोहिनूर डायमंड तो तुम लोग के पास है, ये मैं रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ आमसे की। मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड होंगे और आप लोगों का विशाल रामदासी चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और मेरा विश्वास है आप इस वीडियो के ज़रिए ब्लेस्ड होंगे, आशीष को पाएंगे और इस वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करें क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मैसेज है इस वीडियो के ज़रिए। आप चलते चलते देखेंगे कि लोगों का विश्वास जो कि परमेश्वर पर कितना बड़ा है। हालेलुया। और अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जी, हमारे ब्रदर जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस, पूरी दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं, आप भी इन्हें जानते होंगे, जो कि इनका नाम है बियर ग्रिल्स और जो कि बहुत सारे फेमस नाम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मैन वास विल्ड नाम का एपिसोड आपने बचपन में डिस्कवरी में देखा होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ और अब तक भी वो शो आप देख सकते हैं। अगर आप टीवी में देखें, अगर आप इनके चैनल को सर्च करें जो कि मैन वास विल्ड नाम का जो कि इनका शो है एपिसोड, और उनके द्वारा ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इनके पिता का नाम माइकल ग्रिल्स, इनकी माँ का नाम सारा ग्रिल्स और इनकी एक जो सिस्टर है जो कि लारा नाम की इनकी सिस्टर है, और इनकी वाइफ का नाम भी सारा ग्रिल्स है और इनके दो बच्चे हैं, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शुरू से ही क्रिश्चियन है, शुरू से ही परमेश्वर के नाम को जानते हैं, शुरू से ही ये परमेश्वर के बॉर्न क्रिश्चियन जिसे हम कह देते हैं, ये बॉर्न क्रिश्चियन है, परमेश्वर की महिमा के लिए ये परमेश्वर के नाम को लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक खुशी की बात है कि परमेश्वर ने जो कि हमें चुनकर खड़ा किया होता है, जबकि बाइबल का वचन भी बयान करता है ना, परमेश्वर ने हमें अपनी माँ के कोख के ही परमेश्वर हमें चुन लेता है, हमें ब्लेस कर देता है, वो हमारे ऊपर मोहर लगा देता है, उसने अपने लहू देकर हमें मोल लिया है। और इसी रीति से आपने इनको देखा होगा, इनकी न्यूज़ देखी होगी और आए दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिस्क उठा उठा कर इन्होंने अपनी तरक्की को जो कि हासिल किया है। बहुत बार इन्होंने इतने अपनी मौत को भी अपनी आँखों से देखा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक अपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जब ये ऊपर से नीचे इन्होंने छलांग लगाई तो उनका पैराशूट जो कि नहीं खुला था, और पैराशूट ना खुलने के जरिए इसी रीति से ये नीचे गिर गए अपने पीठ के बल, और इनकी जो कि रीढ़ की तीन हड्डियां जो कि टूट चुकी थी, और 18-19 महीने जो कि हॉस्पिटल में इन्होंने बिताए, फिर भी इनका हौसला नहीं टूटा, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हटाई। हॉस्पिटल में दिन बिताने के बाद भी ये खड़े हुए, उन्होंने बहुत सारी तरक्कियों को हासिल किया। ये जंगलों में आपने देखा इनको जानवरों के साथ आपने देखा होगा, अक्सर जानवरों के साथ खेलते हुए, जानवरों के साथ रिक्स लेते हुए, वहाँ पर जानवर बहुत ही अजीब तरीके की चीज़ों को निगलते हुए, खाते हुए, छूट करते हुए, आपने वीडियोस बनाते हुए इनको देखा होगा। अगर आप देख सकते हैं तो आप डिस्कवरी में आपने इनको बहुतायत में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पर इनकी न्यूज़, इनकी खबरें, गलत मुल्त चीज़ें, सांप, सुपरमैन जिनका नाम भी नहीं ले सकती, ऐसी चीज़ों को खाते हुए आपने इस ब्रदर को देखा होगा। और बहुत ही ज़्यादा ये अपनी तरक्की को लेकर फेमस है क्योंकि कहा जाता है ना, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में बहुत सारी तरक्की को हासिल किया, क्योंकि इन्होंने इसलिए हासिल किया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर था, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह इनके ऊपर था। ये बॉर्न क्रिश्चियन थे, ये परमेश्वर को मानने वाले थे, और परमेश्वर का वचन बयान करता है ना, अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम बड़े बड़े तजर्बों में जाओगे, बड़े बड़े ओहदे परमेश्वर हमें देता है। और परमेश्वर का वचन भी बयान करता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और ये मसीह थे, ये शुरू से ही परमेश्वर की महिमा करने वाले थे, और आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में कि ये कैसे कैसे इन्होंने जंगलों में अपने दिन बिताए, मोन टेरेसेस, बहुत बड़े बड़े पर्वतों पर, पहाड़ों पर इन्होंने जीत को हासिल किया, और बहुत सबसे छोटी उम्र जो कि 23 साल की उम्र में इन्होंने सबसे बड़ा जो कि पर्वत पहाड़ के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की और उस पर जाकर फतेह पाई।
भाई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक समय में जो कि इंडिया में भी आए थे, इंडिया के बेंगलोर में भी, कोलकाता में भी इन्होंने बहुत सारी तरक्कियों को हासिल किया। फौज में भी इन्होंने जॉब की, जो कि नौकरी की, और बहुत सारी ब्लेसिंग जो कि परमिशन ने इनकी ज़िंदगी में रखी। पर इनके जो कि चोट लगने के कारण, की रीढ़ की हड्डी की टूटने के कारण जो कि ये जॉब इनकी छूट गई, जो कि आर्मी में ये भर्ती हुए थे वो जॉब इनकी छूट गई। और ये फिर से इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर से ये एक नया बल लेके, नई परमेश्वर से हिम्मत लेकर, क्योंकि परमेश्वर हमारा हिम्मत देने वाला, बल देने वाला परमेश्वर, उन्होंने फिर से इन्हें बल दिया और फिर से इन्हें जो कि एक बार खड़ा कर इनकी जीत को, इनकी जीत की ओर परमेश्वर इनको ले गया। हालेलुया। और आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारी कामों को किया, बहुत सारी तरक्कियों को किया, और इन्हें सब लोग जानते हैं, ये नहीं कि आम लोग जानते हैं, ये खुद भी आम नहीं है, ये फेमस एक इंसान है। और बहुत सारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के हीरो जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार, हमारे जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, खुद आप तस्वीरों में भी आपने देखा होगा, वो खुद इनसे मिलने के लिए गए। और सब लोग इनके ऊपर गर्व करते हैं, इनके ऊपर बहुत मान करते हैं कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा जो कि तजर्बा, इतनी बड़ी हिम्मत वाले काम इन्होंने किए, क्योंकि इनका शुरू से ही शौक़ था एक बड़ा काम करने का, एक बड़ी जो कि कलाकारी को करने का, एक बड़ा अपना नाम बनाने का। और आज की वीडियो में जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये इनकी इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और जो कि मेन आज की वीडियो का टॉपिक है जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने यीशु मसीह की महिमा के लिए वीडियोस बनाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना भला है, क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारी महिमा करता है। हालेलुया। और आज का मेन टॉपिक ये है कि ये ब्रदर जो कि शुरू से ही क्रिश्चियन थे अभी तक, और इन्होंने बपतिस्म नहीं लिया था, और इन्होंने बपतिस्म इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये बताते थे कि इनका शुरू से ही जो शौक था, शुरू से ये जो चाहते थे कि ये बपतिस्म तब लेंगे जब इन ये वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना भविष्यवक्ता से बपतिस्म लिया था, उस यर्दन की नदी में जहाँ प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्म हुआ था, वहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से फिलफुल हुए थे, जब कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा था, उस यर्दन नदी में जाकर इनका एक सपना था, जैसे हम शौक बोल लेते हैं, शुरू से ये उस शौक में थे कि वो इसी नदी में ये जाकर बपतिस्म लेंगे। और आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं जो कि इस ब्रदर का, जो कि यर्दन नदी में यहाँ पर परमेश्वर का बपतिस्म हुआ, उस नदी में जाकर इन्होंने बपतिस्म लिया। हालेलुया। और ये बहुत खुशी की बात है, आनंदित होने की बात है कि एक और जो कि परमेश्वर की रूह, एक और परमेश्वर का जन जो कि बच चुका है, जो कि उसके ऊपर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है। और जैसे कि परमेश्वर का वचन बयान करता है, जब तक तुम पवित्र आत्मा से, जब तक तुम पानी से बपतिस्म नहीं लेते, तब तक तुम मेरे नहीं खिलाते। और आप देख सकते हैं खुशी की बात है कि ये एक परमेश्वर की एक और रूह जो कि बच चुकी है, और यर्दन नदी में, यर्दन नदी को बाइबल में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर परमेश्वर का बपतिस्म हुआ, यीशु मसीह का बपतिस्म हुआ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि बियर गिल ने इसराइल की यर्दन नदी में यहाँ यीशु मसीह बपतिस्म लिया था, वही खुद भी बपतिस्मा लेकर खूबसूरत अनुभव को गुप्त उठाया, उन्होंने खूबसूरत एक एहसास को महसूस किया, उस ग्रेस को महसूस किया, और उनका एक सपना भी जो उन्होंने ड्रीम देखा था कि वो यर्दन नदी में जाकर बपतिस्म ले, वहाँ पर उस सपने को अपना पूरा किया। और खास बात ये है कि परमेश्वर का बड़ा सुसमाचार जो कि अब फैलाया जा रहा है और लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, और लोग परमेश्वर की रूहें जो कि बचने पा रही हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर बड़ा अपना काम कर रहा है, और बहुत सारे जो कि दास हैं, बहुत सारे परमेश्वर के चुने हैं दास, उनकी भी प्रार्थना का ये असर है कि वो भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार जो फैले, परमेश्वर की बेड़े बचे, परमेश्वर की रूहें बचे। और उसी रीति से आप देख सकते हैं एक फेमस जो कि इंसान, एक बहुत सारे लोग जो कि फॉरन के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, इंग्लैंड के, पंजाब के, आप देख सकते हैं बच्चा बच्चा इस जो कि ब्रदर का फैन है, उसने खुद जाकर परमेश्वर की महिमा की और यर्दन नदी में जाकर बपतिस्म लिया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। गॉड ब्लेस यू।